नेपाल हिमालय के पास एक छोटा सा देश, अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए फेमस है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऊंचे पहाड़ और शांत झीलें हर किसी का मन मोह लेती हैं। नेपाल की संस्कृति में विविधता है, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। कई सालों तक शाह वंश ने यहाँ राज किया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। शाह वंश का इतिहास गौरवशाली रहा है, जिसने नेपाल को एकजुट और मजबूत बनाए रखा। इस वंश ने नेपाल की संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखा और देश को विकास की राह पर अग्रसर किया। राजा बीरेंद्र, जो अपनी दया और समझदारी के लिए जाने जाते थे, बापासी बाम यसिमरीकार नेपाल के राजा थे। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का प्रतीक था। राजा बीरेंद्र ने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का प्रयास किया। लोग उनका बहुत आदर करते थे, उन्हें अपना नेता और रक्षक मानते थे। राजा बीरेंद्र ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे देश की प्रगति हुई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजा बीरेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या, बेटा दीपेंद्र और बेटी श्रास्वती थी। यह परिवार नेपाली लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता था। रानी ऐश्वर्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं, जबकि दीपेंद्र और श्रास्वती अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो रहे थे। ये परिवार नेपाली लोगों के लिए खुशियों और उम्मीदों का प्रतीक था। हर त्योहार और उत्सव में शाही परिवार की उपस्थिति लोगों के लिए गर्व का विषय होती थी। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें और भी प्रिय बना दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अंधेरी रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह रात नेपाल के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। एक भयानक रात सब कुछ बदल गया। शाही महल में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लोग सदमे में थे और इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया, जिसने देश को हिला कर रख दिया। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों पर इस घटना की खबरें छाई रहीं। हर कोई इस त्रासदी के पीछे के कारणों को जानने के लिए बेचैन था। ये त्रासदी थी नेपाली शाही परिवार की हत्या। इस घटना ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। लोग अपने प्रिय राजा और उनके परिवार को खोने का दुख मना रहे थे। शाही परिवार की याद में कई स्मारक और समारोह आयोजित किए गए, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। 1 जून 2001 की रात नेपाल के शाही परिवार के लिए एक भयानक रात साबित हुई। यह रात हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। हर शुक्रवार की तरह शाही परिवार का एक प्राइवेट डिनर था। यह एक ऐसा समय था जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते थे और अपने दिन की बातें साझा करते थे। रात के करीब 9 बजे त्रासदी ने दस्तक दी। यह एक सामान्य रात की तरह लग रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह रात इतनी भयानक हो जाएगी। गोलियों की आवाज से पूरा महल दहल गया। अचानक हुई इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। महल के अंदर अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। जब सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। महल के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार दीपेंद्र, राजकुमारी श्रुति और परिवार के दूसरे लोग मरे हुए पड़े थे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नेपाल के लोग शोक में डूब गए और इस घटना ने पूरे विश्व को चौंका दिया। इस घटना के बाद पूरा देश सदमे में था। हर कोई इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जांच शुरू हुई और सबकी निगाहें एक ही शख्स पर टिक गईं, युवराज दीपेंद्र।
पुलिस और जांच एजेंसियों ने हर पहलू की बारीकी से जांच की। दीपेंद्र एक शांत और संवेदनशील व्यक्ति माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने परिवार और देश के प्रति बहुत समर्पित थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना से पहले दीपेंद्र और उनके पिता के बीच झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। कहा जाता है कि दीपेंद्र एक लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन यह रिश्ता उनके परिवार को मंजूर नहीं था। लेकिन राजा बीरेंद्र इसके खिलाफ थे। उन्होंने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया और यही बात दीपेंद्र को बहुत खलती थी। क्या इसी वजह से दीपेंद्र ने इतना बड़ा कदम उठाया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या यह एक क्षणिक आवेश था या फिर एक सोची समझी साजिश? इस घटना ने न केवल नेपाल की राजशाही को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे देश को एक गहरे शोक में डाल दिया। लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो कभी नहीं मिल सके। समय के साथ नेपाल ने इस त्रासदी से उबरने की कोशिश की है, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आई। उनके मन में कई सवाल थे। क्या सचमुच दीपेंद्र ने अपने ही परिवार को मार डाला था? कुछ लोगों का मानना था कि यह एक साजिश थी। कुछ लोगों ने शाही परिवार के अंदरूनी झगड़ों की ओर इशारा किया, तो कुछ ने बाहरी ताकतों पर शक जताया। क्या यह हत्या सिर्फ प्यार का नतीजा थी या इसके पीछे कुछ और था? सेक्शन 5, अनरैवलिंग द ट्रूथ, एविडेंस एंड एनालिसिस। जांच में कई बातें सामने आईं। घटना स्थल से मिले सबूतों और लोगों के बयानों के आधार पर जांच करने वालों ने कहा कि दीपेंद्र ने ही यह काम किया था। हालांकि कई लोगों के लिए यह सवाल अभी भी है कि क्या दीपेंद्र ने अकेले ही यह किया था या फिर कोई और भी इसमें शामिल था। सेक्शन 6, अ नेशन स्कार्ड, द लेगेसी ऑफ द मैसेकर। इस घटना ने नेपाल को बहुत दुखी किया। एक ही रात में नेपाल ने अपना शाही परिवार खो दिया। इस घटना ने देश को गम और अविश्वास में डुबो दिया। आज भी नेपाली लोग इस घटना को याद करके डर जाते हैं। इस हत्याकांड ने नेपाल के इतिहास पर एक गहरा घाव छोड़ दिया है। बैठी सेक्शन 7, द वेट ऑफ स्पेक्यूलेशन, सीकिंग क्लोजर। नेपाली शाही परिवार की हत्या ने कई सवाल खड़े किए, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या नेपाली लोगों को कभी इंसाफ मिलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में घूमते रहते हैं। जान सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ नेपाल, अ मोनार्की लॉस्ट। इस घटना के बाद नेपाल में राजा रानी का राज खत्म हो गया। ज्ञानेंद्र, राजा बीरेंद्र के भाई, राजा बने। हालांकि 2008 में नेपाल रिपब्लिक बन गया और शाह वंश का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। पांगेसा सेक्शन 9, रिमेंबरिंग द विक्टिम्स, अ नेशन मॉर्न्स। आज नेपाली शाही परिवार की हत्या को एक दुखद घटना के रूप में याद किया जाता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हिंसा कभी भी हल नहीं होती है। यह हमें एक दूसरे की बात समझने, बातचीत करने और शांति के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है। गया सेक्शन 10, कंक्लूजन, अ ट्रेजेडी अनरिजॉल्व्ड। नेपाली शाही परिवार की हत्या एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज भी इस घटना के पीछे का सच एक रहस्य बना हुआ है। हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा कभी न हों।